Hi guys, this is Krishna Ram Singh. This is Shilpa Singh Rajput. Again, welcome back to our channel Krishna Views. Guys, कैसे आप सब? Guys, एक song लेकर आए हम लोग. पास्टो song है ये और इसका नाम है पकवा. Smell and Junaid official music video. और इसकी demand हमें हुई थी. इस video पे काफी ज़्यादा views हैं, millions में views हैं. और ये poster song है तो हाँ, लोगों ने ऑब्वियसली डिमांड की होगी. और क्या बोलते हैं, ये इनकी ऑफिशियल परमिशन हमारे पास है, तो आप लोग को जो ओरिजिनल म्यूजिक है उसका चैनल का और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जरूर इनका चैनल विजिट करिए जाकर. वहाँ पे अगर और वीडियोस है जिसपे आप लोग रिएक्शन हमारा देखना चाहते हो तो ज़रूर हम लोग उस पर रिएक्शन करेंगे. जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग दूसरे कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं. और पठान हमारे बहुत सारे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, है ना. तो गाइस इसको देखते हैं और इसमें सबटाइटल भी है. और सबटाइटल में उस बंदे ने मेरे को ये लिखा था कि सबटाइटल में थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें समझ तो आएगा कि चल क्या रहा है ना. बाकी सीन्स वगैरह तो मैं वैसे भी एंजॉय कर, और लिरिक्स भी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वन टू थ्री एंड स्टार्ट. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या हो रहा है सर? Slip of tongue. Family members. This ग्रेवान्द जमानो सरजम् वैष
शतस्ता मेरा बानी वपमा सिर ग्रीवंद जमानो सरजम वहां खिरी दिसितम गर रशा स्तादरो जनो बहानो सरजम वहां खिरी दिसितम कुछ लोगों की वजह से उस
उसके ऊपर था ये. This song is dedicated to all the Russian people who lost their precious life in the war going on. यही है उन लोगों के लिए है जो वॉर में जिन लोगों की जो लाइफ सेपरेटेड हो गए वही है ना. तो ये वैसे तो इमोशनल होगा बहुत ही ज्यादा. जिनको इनका मीनिंग समझ में आया होगा वो शायद बहुत डीप में समझ पाए होंगे. वैसे सुनने में भी थोड़ा ऐसे मुझे एक चीज ये जाननी है कि जो पश्तून के जो लोग होते हैं पठान जो होते हैं वो चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे अफगानिस्तान में हो ये सब लोग पश्तो लैंग्वेज समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं. क्या पता पश्तो पश्तो में भी डिफरेंस हो. पूछा था हमने एक बार एक वीडियो में तो काफी सारे लोगों ने ये बोला था कि इंडियन पठानों को पश्तो नहीं आती बाकी और बहुत सारे पठानों को पश्तो आती. जो भी कुछ हो गाइस हमें कमेंट करके बताना. अगर कोई इंडिया से वॉच कर रहा है हमें तो वो भी आप लोग अपने भी थॉट बताना कि आप लोगों को ये लैंग्वेज समझ आई कि नहीं आई. और बाकी अगर अफगानिस्तान से कोई वॉच कर रहा है तो आप लोग को समझ आएगी नहीं बाकी पाकिस्तान वालों को तो आई होगी जो पठान होंगे है ना. तो कुछ कुछ डाउट हमें क्लियर करिए क्योंकि मैं बहुत थैंकफुल हूँ पठानों का क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि पठानों को इतना ज़बरदस्त हमें सपोर्ट मिला था और इतना ज़्यादा ही सपोर्ट मिला था कि हमारी कोई वीडियो ऐसी नहीं होती थी. और ऐसी वीडियो होती थी ना जो ओरिजिनल वीडियो होती थी जिसमें हम रिएक्शन करते थे वो ओरिजिनल वीडियो पे जितने व्यूज नहीं होते थे ना उससे दो गुना ज़्यादा हमारे उस पे. हम बहुत थैंकफुल हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग आज जो भी है शायद आप लोगों की वजह से ही है. बिकॉज कुछ लोग कुछ पठान ऐसे हैं जो हमारे हर वीडियो देखते हैं चाहे उनसे रिलेटेड हो चाहे ना हो. तो थैंक यू गाइस आप लोग हमारे इतना अप्रिशिएट करते हैं. ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो पे जितने लाइक होंगे मैं समझ जाऊंगा कि लोगों ने जिनसे लाइक किया और वो सारे के सारे पठान हमारे फैंस हैं. तो गाइस ये थी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और धीरे धीरे करके एक एक करके तो डिमांड यार कंप्लीट हो ही रही है. जो वीडियो कॉपीराइटेड वीडियो होती है जो बड़े प्रोडक्शन से होती है हम लोग परमिशन नहीं रिस्क नहीं लेना चाहते. फिर लोग फिर ये भी कंपेयर करने लगते हैं कि यार उन्होंने भी किया है रिएक्शन इन्होंने भी किया है. तो यार सबका अलग अलग अब छोटा चैनल है या फिर बड़ा चैनल लेकिन हम लोग अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं हमारी फैमिली बड़ी हो रही तो हम इस पॉइंट पे हम लोग क्यों रिस्क लें. रिस्क लेने वाली बात नहीं है. रिस्क हम लोग लेते हैं काफ़ी सारी वीडियोस में जिस पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही होती है पर कुछ कुछ वीडियोस ऐसी होती है कि हमें पता है कि ये हमें परमिशन नहीं देने वाले तो उसमें रिस्क लेने का कोई सवाल नहीं उठता ना कि डायरेक्ट आपको पता है कि आपको स्ट्राइक आने वाली है और फिर भी आप रिस्क ले रहे हो तो फिर ये सही नहीं होता क्योंकि फिर हम लोग ही हमारे साथ तो बहुत बुरा हो जाता है. किसी को कॉपीराइट नहीं आता हमें कॉपीराइट आता है किसी को स्ट्राइक नहीं आता हमें सिर्फ अकेले ही हमारे चैनल को स्ट्राइक आ जाता है. तो हमें ये सारा रिस्क हम थोड़ा बच के रहना चाहते हैं. तो बस एंड में ये कहना चाहूँगा अगर आप लोग हमें पसंद करते हैं वैसे तो बहुत लोग करते हैं हमारे रिएक्शंस को और तो इसी तरह का प्यार बनाए रखना सपोर्ट बनाए रखो आप लोग हमारे साथ इतना बस हम यही चाहते हैं आप लोगों से. तो वैसे हम लोग चलते हैं फिर मिलेंगे इसी तरह की. और हाँ पास्तो में एक कमेंट जरूर कर देना वी सपोर्ट कृष्णा म्यूजिक. मैं उसको गूगल ट्रांसलेटर पे समझ जाऊंगा कन्वर्ट करके ठीक है. ब्रैकेट में इंग्लिश या हिंदी या जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें लिख देना आप लिख देना मैं समझ जाऊंगा. फिर मैं भी वो अपने जो कमेंट पिन करता हूं उसके ऊपर मैं भी वहां पे वही लिख दूंगा सेम टू सेम. बहुत अच्छा लगेगा वो मैं पास्तो में लिखने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से ठीक है. बाकी जो करेक्शन आप लोगों को लगे वो कर देना उसके अंदर मैं ठीक कर दूंगा. तो कैसे चलते फिर मिलेंगे सर की नेपिया तो फिर बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ गाइस. मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना गाइस प्लीज और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो करिए. बाय बाय.